मुझे बहुत अफसोस हुआ उस दिन, मरी वालों मैं याद करना चाहती हूँ, आज मैं ये अफसोस भी करना चाहती हूँ। हादसात अल्लाह ताला की तरफ से कभी हो जाते हैं, खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला हादसात से सबको महफूज रखे, लेकिन मैं मुझे वो बेहिसी भूलती नहीं कि मरी में सैकड़ों अफराद बर्फ मनो बर्फ के नीचे दबकर हलाक हो गए, लेकिन वो जो बेहिस हुक्मरान थे उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी, और लोग मदद के लिए पुकारते रहे वो नहीं आए। यहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस कितना दूर है मुझे बताओ, हेलीकॉप्टर में 10 मिनट और गाड़ी के अंदर 1 घंटा, कोई आया था मदद के लिए? और अब याद करो, चाहे कोई भी आफत आ जाए, जलजला हो या सैलाब हो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कभी घर बैठे देखा? आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़े होते हैं, आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़े होते हैं। और आज मरी में आपको आपको पता है, आज जहाज भी नहीं आ रहा था, हेलीकॉप्टर भी मौसम की वजह से नहीं आ रहा था, तो नवाज शरीफ साहब ने अपना कल का जलसा कैंसिल किया और बाय रोड मरी पहुंचे। उन्होंने कहा मैंने मरी जाना है। तो जो हुक्मरान, हर हुक्मरान का, वक्त के हुक्मरान का फर्ज है अपनी आवाम की खिदमत करना, जो हुक्मरान ये फर्ज नहीं निभाता वो अल्लाह ताला को भी जवाब दे और वो आपको भी जवाब दे। और इस इलेक्शन में उससे जवाब मांगना कि वो कहां था जब मरी के लोग मर रहे थे यहां पर। पाकिस्तान को नवाज दो। मरी वालों, यहाँ के ज्यादातर जो मरी के आवाम हैं, मैं जानती हूँ या वो मजदूरी पेशा हैं या वो छोटे छोटे कारोबार जो सियाहत से मुंसलिक है उनके साथ वाबस्ता हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ मरी वालों, मुझे हाथ उठा के जवाब देना कि जब नवाज शरीफ आता है तो कारोबार चलते हैं ना? जब नवाज शरीफ साहब आते हैं तो मजदूर का चूल्हा जलता है ना?